हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक जावा को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम लोग बनाने वाले हैं एक वीडियो प्लेयर, जो हम जावा को यूज़ करके बनाएंगे। वो वीडियो प्लेयर हमारा क्या करेगा, कोई भी वीडियो को प्ले करेगा। किसी भी वीडियो को आप ओपन कर सकते हो अपने वीडियो प्लेयर से, वो प्ले हो जाएगी। उसके बाद आप, अगर आप वीडियो प्ले हो रहा है तो आप उसके प्लेइंग चीज़ को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स उसको प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, किसी भी टाइम पे स्किप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टाइमर देख सकते हो कि कितना बचा हुआ है, कितना प्ले हो चुका। दैट मीन्स स्लाइडर पे हम लोग टाइमर दिखा देंगे और आप लोग नेक्स्ट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। सारी चीज़ें मोस्टली बेसिक वीडियो प्लेयर के पास जो फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए, बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करूँगा और मेरे सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल है, आपको कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखने के लिए, वीडियो प्लेयर बनाने के लिए आपको यूज़ करना है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या यूज़ करना है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, किसका, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आपको बेसिक नॉलेज है जावा प्रोग्रामिंग का, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट कर ले जाओगे। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें, और आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जावा के पास ऐसी भी चीज़ है जिससे आप बहुत बढ़िया बढ़िया जीवाई क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, जावा बेसिक्स आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि जावा का मैं कौन सा वर्जन यूज़ करूँगा, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जावा 1.8, जिसको हम लोग जावा 8 भी बोलते हैं। तो आप लोग भी जावा का 1.8 वर्जन इंस्टॉल कर लीजिएगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1.8 वर्जन यूज़ करें, क्योंकि अगर हम 9, 10, 11, 12 कोई वर्जन यूज़ करते हो 8 के बाद, तो मे भी हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स करनी पड़े। लेकिन 1.8 में जावा एफएक्स, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं जावा एफएक्स, वो ऑलरेडी इनबिल्ट मिल जाता है। तो आपको जावा 1.8 यूज़ करना है। उसके बाद मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर और यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है सीन बिल्डर, ठीक है। मैं अपने जीवाई को बनाने के लिए सीन बिल्डर सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। तो आप सीन बिल्डर डाउनलोड कर लीजिए फॉर जावा 8 या 1.8, ठीक है, जावा 8 या 1.8। तो बेसिकली आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक जावा की बेसिक्स आपको आनी चाहिए, दूसरा चीज़ चाहिए जावा 1.8 का सॉफ्टवेयर, और तीसरी चीज़ चाहिए आपको सीन बिल्डर का सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ आप जाके डाउनलोड करके नेट से इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जिस आईडी पे मैं कोड लिखूँगा उस आईडी का नाम है इंटेलिजे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इंटेलिजे आईडी है, ये इस पे मैं कोड लिखूंगा। और जैसे जैसे आपको कोई भी कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको करता जाऊंगा, आप भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, फाइनली आपका वीडियो प्लेयर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जावा कहाँ से डाउनलोड करना है। मे बी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जावा आपको आती होगी। अगर जावा आपको नहीं आती तो आप पहले जावा जाके सीख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो प्लेयर आप बना पाओगे। फिर भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपने ये वाली वीडियो आपने फॉलो कर लिया तो आपका प्लेयर बन जाएगा। तो हम बताते हैं आप सीन बिल्डर कहाँ से इंस्टॉल करना है और सीन बिल्डर को कैसे इंटेलिजे के साथ कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको ओपन कर लेना है गूगल क्रोम, तो मैं भी ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम। और उसके बाद आपको अपने फेवरेट सर्च इंजन पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सीन बिल्डर डाउनलोड, एंटर कर दिएगा तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी। सीन बिल्डर डाउनलोड करोगे तो वेबसाइट मिलेगी ग्लूऑन की, इसको ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे। और जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स आपको मिलेंगे सीन बिल्डर के, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप नीचे आओगे तो देखिए डाउनलोड सीन बिल्डर फॉर जावा 11, ठीक है, ये वाला वर्जन हम लोग नहीं डाउनलोड करेंगे क्योंकि हम लोग जावा 8 यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, डाउनलोड सीन बिल्डर फॉर जावा 8, मैं क्या करूँगा यहाँ से कोई वर्जन डाउनलोड करूँगा। अब यहाँ से कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, ये टोटली डिपेंड करेगा फ्रेंड्स किस पे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। तो मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ आप देख लीजिए। देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 64 4 बिट। तो आप क्या करिए, इस वाले डाउनलोड बटन पर क्लिक करिए। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला डाउनलोड क्लिक करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन डाउनलोड सीन बिल्डर फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विंडोज 64 बिट ये वाला बटन क्लिक करेंगे। जब आप ये बटन क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डाउनलोड होने तक का आप वेट करोगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप क्या करोगे,
इस सेटअप फाइल को, कौन सी सेटअप फाइल को, इस सेटअप फाइल को इंस्टॉल रन कर दीजिएगा और नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये रहा सीन बिल्डर, ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको यहाँ से नहीं ओपन करना, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सीन बिल्डर को कनेक्ट कर देंगे आपके इस वाले इंटेलिजे आइडिया से, ठीक है। तो हम लोग यहीं से ओपन करेंगे, अपने आप सीन बिल्डर ओपन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज है जावा की। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए, हम क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो नेट में इंटेलिजे क्या करेगा, मुझे बताएगा कि आप कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, जावा का कि जावा एफएक्स का कि एंड्रॉयड का कि मेबन का कि ग्रेडल का कि कोटलिन का। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जावा पे नहीं, मैं जावा एफएक्स पे क्लिक करूँगा, क्योंकि जो भी मैं ये प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो जावा एफएक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग रिच एप्लीकेशंस बनाएंगे, जिसमें ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छी होगी, दैट मीन्स आप एक बेटर एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है। तो मैं जावा एफएक्स का यूज़ करने वाला हूँ। सिंपली आप यहाँ पे जावा 8 को चूज़ कर लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप जावा 8 चूज़ करोगे तो आपको जावा एफएक्स की किट जो होगी वो इनबिल्ट मिल जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे जावा 8 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी जावा 8 यूज़ करिए, उसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट बटन क्लिक कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट का नाम मांग रहा है तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ माई वीडियो प्लेयर, और सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। जैसे आप फिनिश करोगे तो इंटेलिजे क्या करेगा, इंटेलिजे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्या करेगा, आपके लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इंटेलिजे ने हमें ये ओपन करके दिया है सिंपली। तो इस पर देखिए तीन क्लासेस और दो क्लासेस और एक फाइल ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको बंद करके फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए आपका ये जो है ये मेन प्रोजेक्ट है माई वीडियो प्लेयर, अगर आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर और मिलेगा SRC। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइलें आप बनाओगे या कोई भी बनाएगा वो SRC के अंदर ही बनाएगा। तो सिंपली आप SRC को ओपन कर लोगे, जब आप SRC को ओपन करोगे तो एक सैंपल नाम का प्रोजेक्ट मिलेगा, पैकेज मिलेगा, और इस पैकेज के अंदर जब ओपन करोगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, एक कंट्रोलर मिलेगा और एक मेन क्लास मिलेगा, ठीक है, एक कंट्रोलर और एक मेन क्लास। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा वो क्लास है हमारी, देखिए कंट्रोलर और मेन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो इस मेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और कंट्रोलर अभी मैं बताता हूँ ये कंट्रोलर किस काम के लिए आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक कंट्रोलर क्लास है, एक मेन क्लास है, और एक सैंपल जो फाइल है वो .fxml फाइल है, दैट मीन्स ये जावा के GUI को डिज़ाइन करने के लिए एक HTML की तरह एक लैंग्वेज है। तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो देखोगे राइट साइड में कुछ HTML टाइप का टैग खुल जाएगा, देखिए ग्रिड पेन लगा हुआ है, ग्रिड पेन टैग ओपन है, ग्रिड पेन बंद है, ठीक है। तो अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, पहले एक बार क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपका प्रोजेक्ट मेन से स्टार्ट होगा, तो मेन में अगर मेन ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड मिल जाएगा। देखिए इस मेन मेथड को सिंपली चला देना है, तो चलाने के लिए देखिए यहाँ पे एक बटन दिखेगी, आप क्लिक करके सिंपली क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए। जैसे ही आप रन करोगे तो इंटेलिजे क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट को रन कर देगा। जैसे प्रोजेक्ट को रन करेगा तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी विंडो दिखेगी, दैट मीन्स आपका जो इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें एक विंडो ऑलरेडी उसने बना के दे दी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि विंडो बनी कहाँ से। एक्चुअली जैसे ही ये मेन मेथड चला, इस मेन मेथड में आपने कोड लिखा है लॉन्च, एक फंक्शन कॉल किया और ये फंक्शन लॉन्च डायरेक्ट कॉल हुआ, दैट मीन्स ये एप्लीकेशन का फंक्शन होगा। जैसे लॉन्च फंक्शन कॉल किया होगा, जावा ने क्या किया, जावा ने अपने इस एप्लीकेशन की जो सब क्लास थी मेन, उस क्लास का स्टार्ट फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो लॉन्च से कॉल हुआ इंटरनली स्टार्ट फंक्शन, और इस स्टार्ट में उसने दे दिया एक प्राइमरी स्टेज, दिस इज योर विंडो, प्राइमरी स्टेज एक विंडो है, तो ये मुझे दे दिया। और इसी के अंदर देखिए मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे एफएक्स लोडर की हेल्प से मैंने गेट रिसोर्स कॉल किया और इसमें मैंने सैंपल डॉट fxml फाइल दे दी, दैट मीन्स हम यहाँ पे सिंपली लोड कर रहे हैं अपनी सैंपल डॉट fxml फाइल,
ठीक है। तो सैम्पल डॉट एफ एक्स फाइल में जो भी आपने डिजाइनिंग की होगी वो लोड कर लिया आपने इस रूट में, दैट मीन्स रूट के अंदर वो सारी डिजाइनिंग है जो आप यहाँ पे करोगे। कहाँ पे करोगे? जो आप सैम्पल डॉट एफ एक्स एम एल फाइल में करोगे। परफेक्ट। अब रूट को सिंपली देखिए, आपने मैंने बताया था ना प्राइमरी स्टेज क्या है भाई, आपकी विंडो है, तो आपने अपने विंडो डॉट सेट टाइटल, दैट मीन्स अपने स्टेज का टाइटल सेट कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड की जगह मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे माई वीडियो प्लेयर, ठीक है। और देखिए प्राइमरी स्टेज डॉट सेट सीन, आपने क्या किया, सेट सीन कॉल किया। और सीन एक्चुअली जावा एफएक्स में क्या होता है कि आप अपने स्टेज में, दैट मींस आप अपने स्टेज में, आपकी विंडो एक स्टेज होती है, जो प्लेज वगैरह होते हैं उसकी एक स्टेज होती है जिसके अंदर आप सीन रखोगे, सीन रखोगे, और सीन के पास आपकी मेन विंडो होगी। तो आपने सिंपली देखिए आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया सीन का, और रूट, रूट का मतलब इसके पास थी सैंपल के अंदर की सारी चीज़ें, पूरी डिजाइनिंग बटन वटन इसके अंदर रखी होगी, और आपने सिंपली ये रूट दे दिया अपने सीन को, और सीन खुद चला गया स्टेज के पास। दैट मीन्स फाइनली स्टेज के पास सारी विंडो आ गई है, सारी कंपोनेंट्स आ गए कहाँ के, सैंपल डॉट एफ एक्स एम एल के अंदर। और फाइनली आपने देखिए प्राइमरी स्टेज डॉट शो कर दिया है, इसका मतलब रूट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो दिख जाएगी। मैं एक बार रन करता हूँ फिर से, तो रूट के अंदर आपने कुछ बनाया नहीं था, रूट सिंपली आपने एक ग्रिड पेन बनाया था जिसमें कुछ रखा नहीं था, तो ये विंडो आपको दिखेगी। तो हम लोग को इस वाले में कुछ नहीं करना है, इस वाले में कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको मैं बंद कर दूंगा मेन को, और सैंपल डॉट एफ एक्स एम एल को मैं डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। अब एफ एक्स एम एल को डिज़ाइन करने के लिए भाई मुझे तो यह एफ एक्स एम एल लैंग्वेज आती नहीं, तो मैं डिज़ाइन कैसे करूंगा? तो इसमें डिज़ाइन करने के लिए हमको मिलेगा, हमको हमारी हेल्प करेगा इसमें जीवाई को डिज़ाइन करने के लिए, हमारी हेल्प करेगा सीन बिल्डर। कौन हेल्प करेगा? सीन बिल्डर। सीन बिल्डर क्या करेगा, ये सारा कोड खुद से लिखेगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, सीन बिल्डर आपका कोड लिख देगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने इस वाली फाइल पे जिस पे भी डिज़ाइनिंग करना है, जिस भी एफ एक्स एम एल पे डिज़ाइनिंग करना है, सिंपली आप राइट क्लिक करो और उस फाइल को देखिए ओपन विद सीन बिल्डर कर लो, ठीक है। क्या कर लो, ओपन विद सीन बिल्डर। जैसे ही आप ओपन विद सीन बिल्डर करोगे, सीन बिल्डर अपने आप ओपन हो जाएगा, और अगर अपने आप ओपन हो गया तो वो आपका ये वाली एफ एक्स एम एल फाइल को ओपन कर लेगा, जहाँ पे आप क्या कर पाओगे, जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर पाओगे। अगर इनके सीन बिल्डर नहीं ओपन होता है, दैट मीन्स आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है कि कैसे भाई सीन बिल्डर ओपन करेगा इंटेलिजे। फाइल पे आओगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाओगे, और सेटिंग्स में आप आ जाओगे लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स पे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे जावा एफ एक्स दिखेगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए सिंपली पाथ टू सीन बिल्डर देना है। दैट मीन्स अगर ये पाथ नहीं सही है, इसीलिए आपका एफएक्स जो आपका इंटेलिज है वो आपके सीन बिल्डर को ओपन नहीं कर पा रहा है, तो आपको सिंपली करना है क्या, ये पाथ सही करना है। दैट मींस ये पाथ गिन करेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। तो सब लोग इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सब लोग आप मेन्यू देखिए, विंडो मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहां टाइप करेंगे सीन बिल्डर। ये देखिए सीन बिल्डर का जब भी आप ये देखिए ऐप आएगा, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे ओपन फाइल लोकेशन। आपको यहां पर एक शॉर्टकट दिखेगा सीन बिल्डर का, यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिखेगा। सिंपली आप इसके पाथ को नहीं कॉपी करना है, सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे फिर से ओपन फाइल लोकेशन करिए। आपको यहाँ पे नीचे साइड ये देखिए, आपको यहाँ पे एक, मैं बड़ा करता हूँ फॉन्ट, आपको यहाँ पे सीन बिल्डर डॉट exe फाइल मिलेगी, इस वाली फाइल का पाथ चाहिए। तो सब लोग सिंपली करेंगे क्या, अपने URL देखिए ये बॉक्स है, इस वाले सर्च बॉक्स, इस वाले बॉक्स में आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लगाओगे स्लैश और लगाओगे सीन। जैसे सीन लिखना स्टार्ट करोगे, सीन बिल्डर डॉट exe आ जाएगा नीचे, तो आप नीचे कर्सर ले आओगे और कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल सी कर लोगे इस पाथ को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कॉपी क्या किया है। तो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, और अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये बेसिकली हमारे सीन बिल्डर का पाथ है, ठीक है। और यही पाथ मैं क्या करूँगा, इंटेलिजे पे चलूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा सिंपली। आप ओके कर दीजिएगा, परफेक्ट। और फिर से आप राइट क्लिक करके ओपन इन सीन बिल्डर करेंगे, आपका एप्लीकेशन, आपका जो सीन बिल्डर एप्लीकेशन है वो आपकी फाइल को सिंपली ओपन कर देगा, परफेक्ट। इतना काम आपको करना है, ठीक है। इतना काम अगर आप कर लोगे तो आपका सीन बिल्डर कॉन्फिगर हो जाएगा आपके इंटेलिजे से। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी जिस एफ एक्स एम एल फाइल पे आपको
क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, दैट मीन्स ये कोड लिखना है, तो ये कोड आप खुद नहीं लिख पाओगे, किसी को भी नहीं याद होता है मोस्टली, या बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिस कर लेता है उसे याद होता है। तो सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन इन सीन बिल्डर। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो आपकी ये वाली फाइल होगी करंट, ये वाली फाइल, वो ओपन हो जाएगी सीन बिल्डर सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो एंटीवायरस है वो हमारे सीन बिल्डर को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने सीन एंटीवायरस को बंद कर देता हूँ, जिससे कि सीन बिल्डर को ब्लॉक ना करे वो। तो सिंपली डिटेल पे चलते हैं और यहाँ पे रियल टाइम स्कैनिंग इसको ऑफ़ कर देते हैं और मॉनिटर को भी ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये हमारा ओपन कर पाए सीन बिल्डर। राइट क्लिक करिए, फिर से ओपन इन सीन बिल्डर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन करने में। जी देखिए, हमारा सीन बिल्डर ओपन हो गया। और अगर आप यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो सैम्पल डॉट एफ एक्स एम एल फाइल ओपन हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। वो जो डिज़ाइनिंग आप यहाँ पे करोगे सीन बिल्डर, वो जाएगी सारी इस वाली फाइल में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सीन बिल्डर में अगर आप ये देखेंगे इधर, तो यहाँ पे दिख रहा है यह है हायरार्की। आपके उस वाले फाइल में क्या है, तो देखिए ग्रिड पेन है, ये ग्रिड पेन यही वाला ग्रिड पेन है। अगर आप इस ग्रिड पेन को यहाँ डिलीट कर दोगे और इस फाइल को सेव कर दोगे, तो आप वापस आओगे तो देखिएगा, देखिए गायब सब। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लाते हो, देखिए एक एंकर पेन, तो मैं लाता हूँ, देखिए मैं लाता हूँ एक एंकर पेन। तो इधर एंकर पेन आप यहाँ सर्च करिए बार में, पहले ANC, और इस एंकर पेन को इधर से पकड़िए और इधर ड्रॉप कर दीजिए, इस तरफ ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जितना बड़ा आप अपनी विंडो को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, बस ज़्यादा बड़ा नहीं। और इसको सेव करेंगे, तो जैसे ही आप सेव करोगे, यहाँ पे देखिए अपने आप से एक एंकर पेन आ गया। तो परफेक्ट, इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। अब अगर आप इसमें जाके एक बटन लगाना चाहें एंकर पेन में, तो आप बटन लगा सकते हो इस वाले, देखिए सर्च हायरार्की में सर्च करिए बटन, तो आपको FX की बटन मिलेगी। ये है FX की बटन, इसको ड्रैग करके जहाँ भी रखना है रख सकते हो। ठीक है, और रखने के बाद इसकी साइज़ वाइज बड़ी कर सकते हो, अपनी बटन की साइज़ परफेक्ट बड़ी हो जाएगी। इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज करने के लिए आप डबल क्लिक करिए इसी पे और यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए। मैं लिखता हूँ क्लिक मी, परफेक्ट। और इसका फॉन्ट से बड़ा करने के लिए देखिए, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, आप चाहे यहाँ से स्क्रीन से सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे एंकर पेन के नीचे इस बटन को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, अगर आप देखिए राइट में देखोगे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का, लेआउट का, कोड का। तो सिंपली आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ बदल सकते हो। तो देखिए फॉन्ट है, इस फॉन्ट पर आप क्लिक करिए और बस वेट कर लेते हैं, हल्का स्लो चलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फॉन्ट पे, देखिए मेरा सिस्टम हैंग कर गया, तो वेट कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए अब हम इस फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे फॉन्ट बढ़ाऊंगा हमारी बटन की साइज़ देखिए बड़ी होती जाएगी। यहाँ से फॉन्ट फैमिली बढ़ा सकते हो, रेगुलर स्टाइल बढ़ा सकते हो, इटैलिक वगैरह करना है तो आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, अब जब जैसे ही आप सेव करोगे, जो डिज़ाइनिंग आप यहाँ पे कर रहे हो ना, वो सारी डिज़ाइनिंग इसमें आती जा रही है। देखिए बटन आ गई। अब अगर आप सेव करके अपने प्रोजेक्ट को रन भी करते हो, तो आपने जो डिज़ाइनिंग किया वो डिज़ाइनिंग देखिए आपको मिलेगी, क्योंकि जो हमारा स्टेज है उसकी जो हाइट विड्थ है वो कम है, और हमारे इसके अंदर एंकर पेन की हाइट विड्थ ज़्यादा है। तो अगर हम इसकी हाइट विड्थ बनाएंगे, तो देखिए बटन इसके अंदर आ चुकी है, ये देखिए बटन इसके अंदर आ चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेज दैट मीन्स हम मेन में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए सीन की भी हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं। तो हम कर देते हैं 600 और इसको कर देते हैं 500 और हम फिर क्या करते हैं, रन पर क्लिक करते हैं। देखिए आपका हाइट विड्थ देखिए थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इतना कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो ये होती है विड्थ में कर दीजिए 800 और इसको कर दीजिए 600 हाइट। ठीक है, परफेक्ट, आ गया समझ में। तो एक्चुअली हम लोगों ने ये काम किया है अभी तक, बट मेरा मेन मोटिव ये काम सिखाना नहीं था, मैं सिर्फ आपको FX के बारे में बता रहा था कि आप क्या कर सकते हो इस सीन बिल्डर की हेल्प से, यहाँ डिज़ाइनिंग कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो सीन बिल्डर की हेल्प से डिज़ाइनिंग यहाँ कर सकते हो। आपकी डिज़ाइनिंग जो यहाँ पे करोगे वो सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे होती जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसी सीन बिल्डर की हेल्प से आप डिज़ाइनिंग करने के बाद सेव कर दोगे, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे और उसके बाद इस वाली FX ML क्लास को अटैच कर सकते हो कंट्रोलर क्लास से। जो आप यहाँ पे करोगे काम, जैसे आप यहाँ बटन बना दोगे, तो बटन तो भैया FXML की हेल्प से बन गई है, बटन आप FXML की हेल्प से बन गई, बट जब आप क्लिक करोगे तो उस केस में क्या होगा, ये कौन हैंडल करेगा, ये इसका कंट्रोलर हैंडल करेगा। मतलब इसको हम इससे अटैच कर देंगे, तो बटन पे जो क्लिक करोगे वो फंक्शन होगा कंट्रोलर के अंदर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और आपको थोड़ा सा और अच्छे समझाते हैं। तो बटन को मैं हल्का छोटी कर देता हूँ,
ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग इसको मिनिमाइज़ करके आ जाएंगे कोड पे, ठीक है, कोड पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ऑन एक्शन पे एक लिखेंगे हम फंक्शन, हम लिखेंगे btn क्लिक, ठीक है, और एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, यस ओवरराइड कर देंगे, ठीक है। और हम लोग चलेंगे व्यू में और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सो सैम्पल स्कल कंट्रोलर स्केलेटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि भैया अपने कंट्रोलर में आप ये फंक्शन बना दिए, तो मैं इस फंक्शन को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अपने कंट्रोलर में ले चलूँगा और ये फंक्शन सिंपली यहाँ पर क्या कर दूँगा, राइट कर दूँगा, ठीक है, और इम्पोर्ट्स वगैरह कर दूँगा। तो ऑल्ट एंटर कर दीजिए, इम्पोर्ट कर दीजिए जावा FX वाली, दैट मीन्स ऊपर वाली क्लास, और इस पर भी ऑल्ट एंटर कर दीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println, लिख देता हूँ हाई बटन क्लिक हाई, और उसके बाद इस क्लास को अटैच कर देता हूँ सैम्पल कंट्रोलर से। तो अटैच करने के सिंपली आप एंकर पेन में आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे कंट्रोलर, ठीक है, क्या टाइप करेंगे FX:controller। देखिए कंट्रोलर मैंने पहले से तो नहीं लगाया भाई, अगर पहले से लगाया होगा तो आपको नहीं लगाना है। तो देखिए मैंने पहले से कंट्रोलर लगा के रखा है तो आपको नहीं लगाना है। और कंट्रोलर में बेसिकली आपके कंट्रोलर क्लास का रेफरेंस रखा हुआ है सैम्पल के अंदर कंट्रोलर। तो अगर आप इसको सेव करके रन करते हो तो आपको देखिए पता चल जाएगा कि आप जैसे क्लिक करोगे देखिए हाई प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब आप काम यहाँ पे कर रहे हो GUI पे FXML के अंदर, लेकिन जैसे क्लिक कर रहे हो वो अपने कंट्रोलर का ये वाला फंक्शन कॉल कर ले रहा है बटन क्लिक, दैट्स इट। इतना हमने बेसिक समझ लिया है कि भैया हम लोग GUI यहाँ बना सकते हैं और बैकएंड का कोड हम अपने कंट्रोलर में लिखेंगे। तो जावा FXML बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह है, जैसे आप XML की तरह GUI बनाते हो, जावा बैकएंड में जावा का कोड लिखते हो, वैसे ही हम लोग यहाँ FXML की तरह GUI बनाएंगे और उसका कोड कंट्रोलर में लिखेंगे। तो चले हम लोग अपना म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सैम्पल और FXML को आप ओपन कर लीजिए और मैं इसको हटा देता हूँ बटन को, और इसके साइज़ हल्का सा मैं देखिए बड़ी कर देता हूँ, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एंकर पेन के अंदर हम लगाएंगे एक बॉर्डर पेन, ठीक है, क्या लगाएंगे भाई, एक बॉर्डर पेन, और बॉर्डर पेन ड्रैग करके आप सिंपली इसके अंदर ड्रॉप कर दीजिए। तो आप देख पाओगे एंकर पेन के नीचे आ गया बॉर्डर पेन, और इसकी साइज़ हमें बढ़ानी है जितनी इस बॉर्डर पेन की उतनी साइज़ रखनी है जितनी साइज़ एंकर पेन की है। तो सिंपली आप बॉर्डर पेन को सेलेक्ट कर लीजिए और आप आइए लेआउट पे, लेआउट पे, और यहाँ पे देखिए ये देखिए चारों तरफ से आप इसको 0-0 कर दीजिए, 0 0 0 0, ठीक है। जैसे आप चारों तरफ से 0-0 करोगे तो ये क्या होगा, ये पूरी हाइट ऑफ विड्थ ले लेगा एंकर पेन की, दैट मीन्स ये कंस्ट्रेंट लगा देगा, ठीक है। अब हमें बॉर्डर पेन में कुछ हिस्से मिल गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाता हूँ, जैसे अगर आपको एक बटन लगानी है तो आप बटन को सिंपली जैसे ही आप इसको ड्रैग करके बॉर्डर पेन में लाओगे तो देखो इसको आप टॉप पे रख सकते हो, सेंटर पे रख सकते हो, लेफ्ट पे रख सकते हो, बॉटम पे और राइट में, दैट मीन्स आपको 5 जगह मिल गई है। अगर राइट में रखोगे तो बटन देखिए इधर चली गई, यही बटन अगर उठा के सेंटर पर रख दोगे तो सेंटर पर आ जाएगी, यही बटन इधर रख दोगे तो इधर आ जाएगी, और यही बटन इधर रख दोगे तो इधर आ जाएगी। तो सिंपली अगर ये बटन सेंटर पर रखना चाह रहे हो तो सेंटर पर रख दो, आया फ्रेंड समझ में। तो ये तो हमारा बॉर्डर पेन का फायदा है कि हमें 4-5 हिस्से मिल जाएंगे, टॉप लेफ्ट सेंटर राइट बॉटम, उस जगह पे अपनी यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 बटन मुझे लगानी है बॉटम में, एक होगी देखिए, एक होगी प्ले पॉज की बटन, और दूसरी होगी हमारी नेक्स्ट की बटन, और तीसरी होगी हमारी प्रीवियस की बटन, और फिर हमें एक टाइम स्लाइडर लगाना है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, चलिए लगाते हैं। सबसे पहले सेंटर पे हम लोग लगाते हैं एक मीडिया व्यू, ठीक है, तो हम लोग सर्च करेंगे मीडिया व्यू, तो मीडिया व्यू को मैं सेलेक्ट करके इधर से और उठा के लाऊंगा सेंटर पे रख दूंगा, और इसकी हाइट विड्थ एडजस्ट करने के लिए आप मीडिया व्यू को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आ जाइए इसके लेआउट में, और देखिए फिट विड्थ जो 200 है इसको कर दीजिए भाई 500, और हाइट भी इसकी 500 कर दीजिए, या विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए 600 कर दीजिए, 700 भी कर सकते हैं हल्का, ठीक है, और इसकी हाइट थोड़ा और कम कर देते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारी वीडियो प्ले होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आते हैं और एक हम लोग यूज़ करते हैं वी बॉक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी बॉक्स, और बी बॉक्स में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कई सारे कंपोनेंट रख सकते हैं टॉप से लेके बॉटम में, इधर से टॉप से इधर उधर रख सकते हैं कई सारे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये एक तरह का लीनियर लेआउट है, तो हम लोग वी बॉक्स को ड्रैग करेंगे और रख देंगे देखिए नीचे बॉटम में, ठीक है। अब हम लोग इस बी बॉक्स में लाएंगे स्लाइडर,
ठीक है, तो हम लिखेंगे स्लाइडर, और हम लोग स्लाइडर हमें लेना है हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, तो हॉरिजॉन्टल स्लाइडर को पकड़ के वी बॉक्स के अंदर रख दीजिए। तो देखिए वी बॉक्स के अंदर स्लाइडर आ गया, परफेक्ट। अब वी बॉक्स के अंदर स्लाइडर आ गया, तो अब हमें बटन लानी है तीन, तो तीन बटन इधर 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 लगानी है। बट अगर मैं एक बटन लाऊं तो एक बटन एक बार में ही आएगी, तो मैं यहाँ पे वी बॉक्स के अंदर एक लाऊंगा एच बॉक्स, ठीक है। एच बॉक्स को देखिए, एच बॉक्स को मैं रख दूंगा वी बॉक्स के अंदर, दैट मीन्स वी बॉक्स के नीचे अंदर दो चीज़ें हैं, स्लाइडर और एच बॉक्स। अब हम बटन जो तीन लाएंगे वो लाएंगे बटन कहाँ पे, अपने एच बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो एच बॉक्स के अंदर पहले बटन, फिर एच बॉक्स के अंदर दूसरी बटन, फिर एच बॉक्स के अंदर तीसरी बटन, परफेक्ट। अब हम लोग को सिंपली सेंटर पे करना है तीनों बटन को, तो आप एच बॉक्स को इधर से सेलेक्ट करिए, और एच बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रॉपर्टीज पे जाइए, और अलाइनमेंट में क्या कर दीजिए आप, सेंटर। देखिए परफेक्ट, सेंटर पे आ गया। और हल्का सा प्रॉपर्टीज़ के बाद आप लेआउट में जाइए, और यहाँ पे देखेंगे कहीं स्पेसिंग का ऑप्शन होगा। देखिए स्पेसिंग, स्पेसिंग में आप दे दीजिए भाई 20, ठीक है। तो बटन्स देखिए, थोड़ा थोड़ा बटन के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे आप 12 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका लेआउट ऐसा बन गया। अब आप सेलेक्ट करिए अपने स्लाइडर को, स्लाइडर को सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए लेआउट में ही, और यहाँ देखिए पैडिंग कहीं पे होगा भाई, पैडिंग ये रहा, तो पैडिंग आप चारों तरफ से 10-10 का दे दीजिए, 10-10, 10-10, एंटर कर दिए, परफेक्ट। अब अगर आप प्रीव्यू देखो तो आपका कुछ ऐसा विंडो बना है ये, ठीक है। ये प्ले बटन है, ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट, ठीक है, और ये हमारा स्लाइडर है। चलिए हम लिख भी देते हैं, तो बटन को एडिट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करिए, और यहाँ लिख दीजिए प्ले, और यहाँ लिख दीजिए नेक्स्ट, और यहाँ लिख दीजिए प्रीवियस, अभी के लिए हल्का सा प्रीवियस, ठीक है। तो चार लेटर लिख दीजिए, सेव करते हैं, और देखते हैं अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं, देखते हैं कि भाई ये आया है वहाँ पे कि नहीं। तो जैसे आप इंटेलिजे ओपन करोगे, और इंटेलिजे में जैसे ही आप सैम्पल डॉट एफ एक्स एम एल ओपन करोगे, देखिए सारी डिजाइनिंग यहाँ पे आ गई है। अब आप अगर प्रोजेक्ट को रन करोगे तो देखने को आपको मिल जाएगा वो सारी डिजाइनिंग, देखिए परफेक्ट, देख लीजिए भाई एग्जैक्टली एकदम बढ़िया सा म्यूजिक प्लेयर लग रहा है, और हमने मेहनत बहुत ही कम की है, ज़्यादा एकदम मेहनत नहीं की। अब हम चाहते हैं कि भाई मेरे पास एक मेन्यू बार हो यहाँ पे, और मेन्यू बार में हमारे पास एक प्ले बटन हो। जैसे ही मैं प्ले बटन पे क्लिक करूँ, सॉरी मेन्यू बार में एक ओपन बटन हो, जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूँ, हमारा वहाँ पे हम एक फ़ाइल को चूज़ कर पाएँ, और एक फ़ाइल को चूज़ करने के बाद हम वो वीडियो को प्ले कर पाएँ ये क्लिक करने पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मेन्यू बार भी बना देते हैं। तो आप सिंपली करोगे क्या, आप यहाँ सर्च करोगे मेन्यू बार, मेन्यू बार, तो मेन्यू बार सिंपली यहाँ से पकड़ के उठा लाइए और रख दीजिए इसको। कहाँ रखोगे भाई, टॉप वाले सेक्शन में, तो आप बॉर्डर पेन के टॉप सेक्शन में यहाँ भी रख सकते हो, या आप इधर जाके और भैया कहाँ गया टॉप सेक्शन, यहाँ पे पुट कर सकते हो, परफेक्ट। सेव कर दो, अगर सेव करोगे तो देखिए इसने कुछ ऑलरेडी बना के दे दिया है फाइल वाइल, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इधर हायरार्की में देखिए, आपके पास एक एंकर पेन है, एंकर के पास एक बॉर्डर पेन है, और बॉर्डर के पास टॉप सेक्शन में मेन्यू बार है। आप इसको ओपन करोगे तो इसमें कई सारे मेन्यूज मिलेंगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल, उसके बाद लिख देते हैं टूल्स, और एक ऑप्शन दे देते हैं हेल्प का, बस हेल्प, ठीक है। तीन ही ऑप्शन होगा हमारे मीडिया प्लेयर में, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आप फाइल को ओपन करो तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है क्लोज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओपन सॉन्ग, ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा ओपन सॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन मैं बनाऊंगा, तो इसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन होगा सेव सॉन्ग, जो सॉन्ग बज रहा होगा उसको हम सेव करा सकते हैं किसी दूसरे जगह पे। और तीसरा ऑप्शन होगा, पेस्ट कर देते हैं फिर से, एग्जिट, एग्जिट प्लेयर, ठीक है, सेव कर देते हैं, और ये देखते हैं कि ये तीनों ऑप्शन आए कि नहीं आए। तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे, सेव करेंगे, जैसे आप सेव करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भाई चेंजेस हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे सारे मेन्यूज आ गए हैं टॉप वाले सेक्शन में। तो अगर आप प्रोजेक्ट को रन करते हो तो आपको मेन्यूज दिखेंगे भी, देखिए परफेक्ट, फाइल दिख रही, फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ ओपन सॉन्ग, सेव सॉन्ग, एग्जिट प्लेयर, टूल पे अभी मैंने कुछ किया नहीं है, तो टूल पे भी हम प्ले पॉज करने जा रहे हैं। देखिए टूल पे भी एग्जैक्टली, आप फाइल वाले पे छोड़ दो, टूल वाले पे आ जाओ, टूल पे भी आप ओपन करो, यहाँ डिलीट लिखा था यहाँ पे आप लिख दो प्ले, और फिर इसी पे सेलेक्ट रहने दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, और प्ले की जगह लिख दो, प्ले के बाद लिख दो पॉज, लिख दो स्किप, स्किप 10 सेकेंड्स, या फॉरवर्ड लिख देते हैं,
फॉरवर्ड, ठीक है, और एक और बना देते हैं जिसमें लिखते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकग्राउंड नहीं बैकवर्ड, ठीक है। अब सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ से भी आप प्रीव्यू देख सकते हो, परफेक्ट, और आप यहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट रन करके भी देख सकते हो प्रीव्यू। पर टूल प्ले पॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड, देखिए ओपन सॉन्ग सेव सॉन्ग एग्जिट सॉन्ग। अब आप हेल्प पे जाइए और हेल्प पे लिख दीजिए अबाउट अबाउट, तो हेल्प में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हेल्प हेल्प को ओपन करेंगे और यहाँ पे अबाउट लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे अबाउट दिस प्लेयर, दिस प्लेयर, सेव कर देते हैं और आते हैं इस फाइल को भी एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेव नहीं करोगे तो चेंजेस अफेक्ट नहीं करेंगे। परफेक्ट, हेल्प पे जाइए, देखिए अबाउट, तो कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए मैंने कहा था सेव नहीं करेंगे तो हल्का सा गलत हो जाएगा कुछ, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी एक बार सेव कर दीजिए ज़रूर से। तो बस एक सेकंड सेव कर देते हैं और यहाँ भी देखिए, देखिए अबाउट दिस प्लेयर हो गया, तो स्पेलिंग एक बार यहीं से भी हम लोग सही कर सकते हैं अबाउट दिस प्लेयर, और फिर रन करके चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, तो हमारा यहाँ पे डिज़ाइनिंग रेडी है। हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्ले करेंगे हमारा सॉन्ग प्ले होने लगेगा। नेक्स्ट करेंगे तो अगर हमारे पास प्लेलिस्ट में कोई नेक्स्ट सॉन्ग होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, अदरवाइज होगा क्या, हमारा ये स्किप हो जाएगा 10 सेकेंड। फिर प्रीवियस करेंगे तो पीछे चला जाएगा 10 सेकेंड। तो बेसिकली मेरा अभी तक तो आइडिया है कि अगर हमारे पास सॉन्ग है तभी नेक्स्ट हो, अगर नहीं है तो ये अपने आप से जैसे नेक्स्ट करो ये 10 सेकेंड स्किप हो जाए, और पॉज कर दो, यहाँ पॉज हो जाए, दैट मीन्स हमारा वीडियो प्लेयर रेडी हो जाएगा। आप इसको बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, छोटी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे GUI रेडी है और हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान से देखें। हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं फाइल पे जाऊँ, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करूँ, हम यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया है जहाँ से हम सॉन्ग को क्या कर पाएँ, सेलेक्ट कर पाएँ। तो हम लोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पे लिसनर, किस पे लिसनर लगाने जा रहे हैं, हम लोग लगाएंगे फाइल पे और इस ओपन सॉन्ग पे लिसनर लगाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने फाइल को FXML फाइल को जिसमें GUI रखी है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे सीन बिल्डर में। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम लोग अपना ओपन सॉन्ग वाला मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, आप सिंपली जाओगे एंकर पेन के नीचे बॉर्डर पेन, इसको ओपन कर लोगे, मेन्यू बार को ओपन कर लोगे और फाइल को ओपन कर लोगे, उसके बाद ओपन सॉन्ग वाले को सेलेक्ट कर लोगे। और जब आप ओपन सॉन्ग को सेलेक्ट कर लोगे तो आपको नीचे से दिखेगा कोड है, इस तरफ राइट टॉप पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोड का ऑप्शन दिखेगा, उस कोड का ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप याद रखिएगा यहाँ पे ओपन सॉन्ग सेलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही ऑन एक्शन, इस एक्शन पे एक फंक्शन लिख देंगे, तो हम लिख देंगे ओपन सॉन्ग मेन्यू, ठीक है, और हम लोग एंटर कर देंगे। अब ये फंक्शन हमें उस कंट्रोलर में बनाना है जिस कंट्रोलर से हमारी ये वाली GUI फाइल अटैच्ड है। तो हम लोग सिंपली चलेंगे व्यू पे और अपने कंट्रोलर का स्केलेटन देखेंगे और इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे सिंपली, और हम लोग आ जाएंगे अपने इंटेलिजे में और कंट्रोलर के पास चलेंगे और इसमें सिंपली हम अपना वर्ड क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और नीचे वाला फंक्शन हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम यही फंक्शन कॉल होगा जैसे ही वो ओपन बटन क्लिक होगी। मैं एक बार आपको मैसेज दिखा देता हूँ, मैं आप लिख देता हूँ ओपन सॉन्ग क्लिक्ड, ठीक है, आप समझ जाओगे कि भैया क्लिक्ड हो चुका ओपन सॉन्ग। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और देखते हैं कि क्या, इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, क्या हमारे ओपन सॉन्ग पे क्लिक करने पे हमारा वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सिंपली देखिए मैं फाइल पे चलता हूँ और यहाँ पे ओपन सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, देखिए ओपन सॉन्ग क्लिक्ड, फिर से मैं क्लिक करता हूँ ओपन सॉन्ग क्लिक्ड, फिर से मैं क्लिक करता हूँ ओपन सॉन्ग क्लिक्ड। इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन के अंदर अगर कोई कोड लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल प्लेयर, ठीक है, प्लेयर की हमें बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी तो हम वेरिएबल ले लेंगे प्लेयर, और प्लेयर लेंगे जावा एफएक्स से, कहाँ से, एफएक्स से। तो जावा एफएक्स में प्लेयर क्लास नहीं है जिसका नाम है पूरा मीडिया प्लेयर, ठीक है, तो मीडिया प्लेयर प्लेयर ले लेंगे, जिससे कि ऊपर लेंगे जिससे कि मैं पूरी क्लास में यूज़ कर पाऊँ। नेक्स्ट ले लूँगा एक मीडिया, या मीडिया का ऑब्जेक्ट हम नीचे लोकली भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा बाकी हम जो जो ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं यहाँ पे लेता जाऊँगा। तो जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे ये वाला फंक्शन चलेगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फाइल चूज़र का एक ऑब्जेक्ट, लिखूँगा चूज़र इज इक्वल टू न्यू चूज़र, फाइल चूज़र का ऑब्जेक्ट बना लूँगा सिंपली फाइल चूज़र, और हम सिंपली कहेंगे चूज़र डॉट शो ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स, और हम कहेंगे नल, जिससे कि ये सेंटर पे दिखाएगा बॉक्स, ठीक है, परफेक्ट। और जो फाइल आप चूज़ करोगे उसको ये रिटर्न कर देगा, तो हम उसको फाइल के ऑब्जेक्ट में सिंपली क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, परफेक्ट।
अब हमें हमारी फाइल इसके अंदर आ गई। अब हमारी फाइल अगर इसके अंदर आ गई तो हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली इस फाइल से एक मीडिया बनाना होगा, मीडिया का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस फाइल से, हमारे ऊपर वाली फाइल से, हमें जो फाइल हमने यहाँ पे देखिए चूज़ की है उस फाइल से हमें एक मीडिया का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मीडिया का ऑब्जेक्ट सिंपली कैसे बनाएंगे, देखिए आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए मीडिया मीडिया मीडिया, देखिए मीडिया m इज इक्वल टू न्यू मीडिया, मीडिया का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और मीडिया का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मुझे इसमें देना है सोर्स, एक स्ट्रिंग देनी है, तो यहाँ पे सोर्स दे सकते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हमें चूज सिंपली करना है, मैं लिखूँगा फाइल डॉट टू ई आर आई, इसको ई आर एल में कन्वर्ट करूँगा और फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा, परफेक्ट हमारा काम हो जाएगा। और फिर हम अपने प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लेयर इज इक्वल टू न्यू मीडिया प्लेयर, और अपने प्लेयर को हम पास कर देंगे अपना मीडिया, परफेक्ट, ठीक है। और हम इन सब को कर रख देंगे ट्राई और कैच के अंदर, तो सिंपली आ जाइए ट्राई कैच के अंदर, इन सब को रख दीजिए। और अभी प्ले नहीं करना है, सिंपली अभी प्ले नहीं करना है, और आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब प्लेयर के पास मीडिया आ गया, देखिए प्लेयर के पास मीडिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपने मीडिया व्यू में अपना प्लेयर सेट करेंगे, क्या करेंगे, अपने मीडिया व्यू में अपना प्लेयर सेट करेंगे। तो मीडिया व्यू में अपना प्लेयर कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले आपको मीडिया व्यू का रेफरेंस लाना होगा। तो यहाँ पर आएंगे और मीडिया व्यू को सेलेक्ट करेंगे, भाई मीडिया व्यू आपके सेंटर पर था तो ये रहा मीडिया व्यू, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस मीडिया व्यू की एक आईडी दे देंगे। तो आईडी देने के लिए आप सिंपली मीडिया व्यू को सेलेक्ट करेंगे और इधर आ जाएंगे कोड में, और यहां पे इसकी आईडी दे देंगे, हम दे देंगे मीडिया व्यू, ठीक है, मीडिया व्यू। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे इस मीडिया व्यू की एक आईडी दे दूंगा मीडिया व्यू, और इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं व्यू पे जाऊंगा और सो सिंपल कंट्रोलर स्केलेटन करूंगा, और यहां पे अपने मीडिया व्यू वाले वेरिएबल को सिर्फ कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं आऊंगा और यहां पे अपने वेरिएबल के नीचे पेस्ट कर दूंगा सिंपली, और इस पे ऑल्ट और एंटर करूंगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा। और मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए मैं लिखूंगा मीडिया व्यू डॉट सेट प्लेयर, सेट मीडिया प्लेयर, और अपना प्लेयर सिंपली पास कर दूंगा। और अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, अभी मैं प्ले नहीं करूंगा। प्ले मैं कब करूंगा, जब मैं प्ले बटन पे क्लिक करूं, किस पे, हमारे इस प्ले बटन पे, ठीक है। तो इस प्ले बटन पे भी एक फंक्शन लगाते हैं, इस प्ले बटन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसके भी ऑन एक्शन में लिख दीजिए प्ले, ठीक है, और प्ले पे आप सेव करिए प्ले लिखने के बाद। और फिर आप यहाँ पे आएंगे व्यू में, सिंपल कंट्रोलर स्केलेटन में प्ले वाला फंक्शन कॉपी कर लीजिए। तो ये रहा प्ले फंक्शन, आप सिंपली आइए और इसको हम लोग यहाँ पे अपने इस फंक्शन के बाद क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे मीडिया या प्लेयर, प्लेयर डॉट प्ले, प्लेयर डॉट प्ले, परफेक्ट। अब हम रन करके देखते हैं भाई, तो हम सिंपली अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे, और जब प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो हम जाएंगे फाइल पे, ओपन सॉन्ग, जैसे ओपन करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी ये वाली, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉन्ग चूज़ कर लेंगे, तो डेस्कटॉप पे चलेंगे और यहाँ पे देखते हैं भाई कहीं सॉन्ग रखा हुआ है, तो मेरा सॉन्ग रखा हुआ ये, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सेट हो गया, बट प्ले अब तक नहीं होगा जब तक आप इस बटन पे क्लिक नहीं करोगे। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे देखिए प्ले होने लगा, ठीक है। तो अभी बाकी मैंने कुछ नहीं किया, बस प्ले किया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस प्ले बटन की प्रॉपर फंक्शनैलिटी चाहिए। हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया, हमने सिंपली फाइल पे क्लिक किया, ओपन सॉन्ग पे क्लिक किया, और ओपन सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद हमने सिंपली क्या किया, हमने सॉन्ग को ओपन किया, तो यहाँ पे ये मीडिया व्यू में आपका सॉन्ग क्या है, सेट है। जब हम इसको प्ले कर रहे हैं तो सॉन्ग प्ले हो जा रहा है, बट बाकी इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी नहीं काम कर रही। हम इसको प्ले जैसे हो रहा है तो यहाँ पे पॉज हो जाना चाहिए, और पॉज आ जाना चाहिए, फिर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये हमारी वीडियो बंद होनी चाहिए। तो हम इस प्ले बटन की फंक्शनैलिटी को बनाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्ले बटन पर एक लिसनर लगा देता हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी fxml फाइल को राइट क्लिक करके और इसको ओपन कर लेंगे इन अ सीन बिल्डर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा देखिए, हमारा जो व्यू है वो ओपन हो गया सीन बिल्डर में। हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपनी बटन, तो बटन पे हम क्लिक कर देंगे, प्ले बटन पे आप सिंपली क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और आप राइट हैंड साइड में यहाँ कोड वाले पोर्शन को ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, एक्शन पे आपने बटन लगा दिया, देखिए एक्शन पे आपने
डिस्प्ले फंक्शन लगा दिया है, उसकी वजह से ही आपका फंक्शन ये चल रहा था। तो कंट्रोलर में ये फंक्शन क्या कर रहा था, आपका फंक्शन देखिए प्लेयर डॉट प्ले कर रहा था, बट हमें करना क्या है, हमें डायरेक्ट प्लेयर डॉट प्ले नहीं कर देना, हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी है। देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इस बटन की अपने जीवाई में आएंगे और इस बटन की एक आईडी भी दे देंगे, जिससे हम इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर पाएँ अपने जावा के कोड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसकी आईडी देते हैं, इसकी आईडी दे देंगे हम प्ले बटन, प्ले btn, ठीक है, एंटर कर लेंगे। और हम लोग इस बटन की आईडी को व्यू पे चलेंगे, सो सैम्पल कंट्रोलर स्केलेटन पे क्लिक करके इस बटन की आईडी को कॉपी कर लेंगे। तो ये बटन की आईडी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला वेरिएबल, और हम आते हैं अपने कंट्रोलर में, सिंपली कंट्रोलर को ओपन कर दें और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पेस्ट करेंगे भाई, आपको वेरिएबल की तरह पेस्ट करना है, कहीं भी पेस्ट कर दिए सिंपली, और इसको इंपोर्ट को रिजॉल्व कर लीजिए। तो बटन पे ऑल्ट एंड एंटर दबा दीजिए, इंपोर्ट क्लास कर दीजिए और जावा fx.scene.control वाला आप इंपोर्ट करेंगे। नीचे आ जाएंगे और इस प्लेयर डॉट प्ले को डायरेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। हम चेक करेंगे कि अगर प्लेयर आपका म्यूजिक या वीडियो प्ले कर रहा होगा तभी आप उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉज कर देंगे। अगर प्ले नहीं है, दैट मीन्स ऑलरेडी पॉज है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेयर से बोलेंगे भाई प्लेयर डॉट गेट स्टेटस। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेटस दे देगा, तो हम एक स्टेटस के वेरिएबल में इसे क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे स्टेटस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये स्टेटस की जो वैल्यू है वो प्लेइंग है कि स्टॉप्ड है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे इफ़ लगाइए, इफ़ अगर स्टेटस की वैल्यू डबल इक्वल टू प्लेइंग टाइप करने की कोशिश करिए, ये सजेस्ट कर देगा स्टेटस डॉट प्लेइंग। ठीक है, अगर प्लेइंग है इसका मतलब ऑलरेडी गाना चल रहा है, और अगर गाना चल रहा है तो आपको क्या करना है, पॉज करना है, पॉज करना है। तो हम यहाँ पे पॉज करेंगे, कैसे पॉज करेंगे, हम लिखेंगे प्लेयर डॉट पॉज। ठीक है, सिंपली गाना पॉज हो जाएगा, और अगर गाना पॉज हो जाएगा तो आपको बटन पे दिखाना है क्या, पॉज हो जाएगा तो आपको दिखाना है प्ले। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्ले बटन डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में लिख देंगे कि भैया अब आप प्ले कर सकते हो क्योंकि गाना पॉज है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब प्लेइंग स्टेट में नहीं है, किसी और स्टेट में, और स्टेट मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्टेट होती हैं, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉज है, तो हम एल्स में चलेंगे, और एल्स में हम ऐसा समझेंगे कि ऑलरेडी पॉज है तो आपको प्ले करना है, तो आप प्लेयर डॉट प्ले कर दोगे, और अगर प्ले हो रहा होगा तो अब आपको बटन पे दिखाना है पॉज, तो सिंपली प्ले बटन डॉट सेट टेक्स्ट करो और यहाँ पे आप लिख दो पॉज। तो अब होगा क्या, जब भी आप प्ले बटन को क्लिक करोगे तो ये फंक्शन चलेगा, और वो पहले चेक करेगा कि आपका जो म्यूज़िक है वो चल रहा है, अगर चल रहा होगा तो उसे पॉज करेगा और यहाँ पे प्ले सेट कर देगा, अगर चल नहीं रहा होगा तो वो प्ले करेगा और उसको पॉज सेट कर देगा। इतना काम करने से हमारा जो बटन होगा प्ले वाला वो परफेक्ट काम करेगा। सिंपली देखिए मैं इसको रन करता हूँ, और जैसा रन करूँगा तो हमारी विंडो ओपन हो जाएगी, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल पे चलता हूँ, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, और ओपन सॉन्ग में मैं अपनी वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चूज़ कर ले रहा हूँ, और जो मेरी वीडियो भाई वो कहाँ पे रखी हुई देखते हैं, डेस्कटॉप पे HTML इन वन वीडियो, वीडियो और प्ले बटन। ठीक है, तो अभी हमारी वीडियो सेलेक्टेड है बट प्ले नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैंने प्ले नहीं किया, जब हम प्ले करेंगे तब प्ले होगा। तो जैसे मैं प्ले क्लिक करूँगा, देखिएगा जैसे प्ले हो रहा है तो यहाँ पे पॉज दिख के आ रहा है। अब इसका जो स्टेटस होगा वो प्लेइंग होगा, तो अब जैसे ही आप इस प्ले बटन को क्लिक करेंगे तो प्लेइंग वाला ट्रू हो जाएगा और वो पॉज कर देगा और आपका बटन पे प्ले आ जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, देखिए वीडियो चल रहा है, जैसे ही आप क्लिक करोगे प्ले पॉज, तो आपका प्ले पॉज का काम हो रहा है। तो अभी हम लोग इस पर आइकन भी लगा सकते हैं, इवन डिज़ाइनिंग आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो, बट अभी हम लोग सिंपल बना रहे हैं तो परफेक्ट है, इतना काम हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का प्ले पॉज का बटन हो गया, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं भाई, सिंपली हम लोग इस प्ले बटन पे हमें लिखना नहीं है टेक्स्ट, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल सा हमें आइकन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, आइकन यूज़ करना है। तो मैंने आइकन डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ आइकन भाई मैंने कहाँ डाउनलोड करके रखा है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ डाउनलोड आइकन डाउनलोड करके रखे हैं, मैंने देखिए एक ये पॉज का आइकन डाउनलोड कर रखा है, एक प्ले का आइकन रखा है, और एक प्रीवियस और नेक्स्ट कर रखा है। ये चारों आइकन मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, और मैं क्या करूँगा इसका जो मतलब इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी आइकन डाउनलोड कर सकते हो या आप अपना भी आइकन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपली आऊँगा अपने जावा इंटेलिजे पे, और यहाँ पे सैम्पल्स देखिए SRC में राइट क्लिक करूँगा और एक नया
नया फोल्डर बनाऊंगा। तो सिंपली न्यू पे जाएंगे और न्यू पे यहाँ पे आप फोल्डर चेक करेंगे कहाँ है भाई नया। तो नया फोल्डर तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली न्यू पैकेज कर लूँगा, ठीक है। और पैकेज में अपना नाम दे दूँगा आइकन्स, ठीक है, आइकन्स। तो जावा का पैकेज एक तरीके का हमारा फोल्डर ही होता है, और हम क्या करेंगे राइट क्लिक करके अपने सारे आइकन्स क्या कर देंगे इसमें पेस्ट कर देंगे सिंपली, आप देख सकते हो यहाँ पे, परफेक्ट। और मैं क्या करूँगा सिंपली देखिए, मैं क्या करूँगा मैं इनिशियल स्टेज में जहाँ पे प्ले लिखा है इस प्ले को मैं हटा दूंगा, दैट मीन्स मैं चीज़ों को हटा दूंगा, प्ले नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट को बस मैंने रिमूव कर दिया। और मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ जैसे ही आप प्रोग्राम चलाओ बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये वाला आइकन देखने को मिले, ये वाला प्ले वाला, जिससे आप प्ले कर सको। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट चलाओगे कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करोगे तो आपका फंक्शन कौन सा चलेगा भाई, उस फंक्शन को चलाने के लिए मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट लिखूंगा इनिशियलाइजेबल, ठीक है, मैं लिखूंगा इनिशियलाइजेबल, ठीक है। और आप इसका एक मेथड है, इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप ऑल्ट एंटर करोगे और इंप्लीमेंट मेथड कर लोगे इनिशियलाइज, ठीक है, तो ओके कर दोगे। जैसे आप इनिशियलाइज करोगे तो यहाँ पे एक मेथड आ जाएगा इनिशियलाइज, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड अपने आप चलता है जैसे ही आप लोड करोगे, क्या जैसे ही आप ये एफएक्स, जैसे आप ये एफएक्स एमएल वाली फाइल लोड करोगे इसका कंट्रोलर का, ये इनिशियलाइज मेथड चल जाएगा। और जैसे इनिशियलाइज होगा मैं क्या करूँगा, मैं प्ले बटन पे सेट ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स की हेल्प से मैं यहाँ पे इमेज व्यू में अपनी इमेज लगा दूंगा, तो लिखूंगा इमेज सिंपली। तो देखिए सेट ग्राफिक्स में आपको एक यहाँ पे चाहिए होगा ग्राफिक, दैट मीन्स हम इमेज व्यू लगाने वाले हैं, उसके बाद इमेज व्यू का चाहिए होता है इमेज, तो हम इमेज का ऑब्जेक्ट दे देंगे। और इमेज को क्या चाहिए भाई, ज़रा देखिए, इमेज को आप, इमेज को चाहिए स्ट्रिंग आप पास कर सकते हो या इनपुट स्ट्रीम भी पास कर सकते हो। तो सिंपली मैं लिखूंगा न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और मैं क्या करूँगा इसके अंदर अपनी फाइल दे दूंगा। तो फाइल मेरी रखी है देखो आइकन्स फोल्डर के अंदर प्ले डॉट पी एन जी, तो मैं यहाँ लिखूंगा एस आर सी से स्टार्ट करूँगा, एस आर सी स्लैश आइकन्स स्लैश प्ले डॉट पी एन जी फाइल, ठीक है। तो जब आप इतना काम करोगे तो उस केस में ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप आईओ यूज़ कर रहे हो फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा ट्राई कैच लगा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राई कैच लगाना, ठीक है। तो हम लगा देंगे एक्सेप्शन, सिंपली लिख देंगे यहाँ पे एक्सेप्शन ई, और मैं ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस लिख दूंगा, जिससे अगर कोई एरर आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखोगे जैसे ही आप प्रोग्राम चलाओगे इनिशियली आपको वहाँ पे कौन सा आइकन दिखेगा, ठीक है, ये वाला आइकन दिखेगा प्ले डॉट पी एन जी। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए आइकन दिख रहा है प्ले डॉट पी एन जी, ठीक है, तो परफेक्ट है। बट जब आप क्लिक करोगे तो देखिए दिक्कत हो जाएगी, अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा सिंपली, ये तो इनिशियल स्टेज का है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे ही प्ले पॉज चेंज कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट तो लिखना नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ क्या करो इसको हटा के यहाँ पे प्ले वाला कोड ले आओ। तो प्ले वाला कोड ये देखिए, ये कोड क्या करेगा, या सिंपली देखो आपको टेक्स्ट यहाँ पे सेट नहीं करना है, यहाँ पे प्ले वाला आइकन सेट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, वही वाला कोड, कौन सा कोड भाई, आप प्ले बटन डॉट सेट ग्राफिक्स, और आप ग्राफिक्स में न्यू इमेज व्यू, और फिर इसको इमेज देना है, तो आप इमेज पास कर दिए, और यहाँ पे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम देना है, और आप अपना यहाँ पे एस आर सी के साथ साथ आइकन्स के साथ साथ प्ले डॉट पी एन जी दे दीजिए, परफेक्ट। आपको सेट, आपका सेट हो जाएगा यहाँ पे प्ले आइकन। जब ये पॉज होगा तो आपको पॉज वाला आइकन चाहिए, तो मैं फिर से आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखे, आप लिखिएगा प्ले बटन डॉट सेट ग्राफिक न्यू इमेज व्यू, न्यू इमेज व्यू, और आप लिखेंगे यहाँ पे न्यू इमेज, और फिर लिखेंगे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और फिर आप लिखेंगे एस आर सी स्लैश आइकन्स स्लैश pause.png पी एन जी, परफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रही है एक्सेप्शन, देखिए अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो आपको पूरे कोड को ट्राई कैच के अंदर रखना है, तो मैं पूरे फंक्शन के अंदर ही क्या लगा दूंगा ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई एंड कैच, ठीक है, कैच में कर लूँगा एक्सेप्शन को ई, और यहाँ पे लिख दूंगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और जो काम करना था मैं कर रहा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा पेस्ट। तो होगा क्या, ये आपका पूरा फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरा परफेक्ट आएगा विद आइकन, दिखाता हूँ, बटन पे आइकन दिखेगी ना कि हमें टेक्स्ट दिखेगा। तो ये मेरा, देखिए ये मेरी
अब मैं क्या करता हूँ, फाइल पे चलता हूँ, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ और अपना सॉन्ग पहले सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सेलेक्ट करोगे और प्ले करोगे, परफेक्ट, क्योंकि आइकन बदल जा रहा है। आइकन क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्ले वाला बटन वाला काम हो गया। आइकन अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट का आइकन लगा देते हैं, यहाँ पे प्रीवियस का आइकन लगा देते हैं। तो सिंपली हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस का आइकन लगाने के लिए आएंगे। सबसे पहले टेक्स्ट को हटा देंगे, टेक्स्ट को हटा देंगे, और टेक्स्ट को हटाने के बाद सिंपली इन दोनों की आईडी दे देंगे। ठीक है, तो इस पहले प्रीवियस वाली बटन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें लिख देंगे PREBTN। ठीक है, और हम इस पर सेलेक्ट करने के बाद लिखेंगे नेक्स्ट NEXT BTN और एंटर कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से दोनों की आईडी का वेरिएबल उठा लेंगे। तो हम लोग आएंगे और प्री बटन और नेक्स्ट बटन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्री बटन ले लेता हूँ यहाँ से, और प्री बटन को हम लोग चलते हैं और ऊपर यहाँ पे अपने प्ले बटन के नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हम लोग आते हैं और नेक्स्ट बटन का ही वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये वेरिएबल मैं इसीलिए ले आया हूँ जिससे कि मैं यहाँ से आइकन सेट कर पाऊँ इनिशियलाइज के अंदर से। तो आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे सिंपली इसी को डुप्लीकेट बनाइए, तो कंट्रोल डी दबा दीजिए। ठीक है, ये डुप्लीकेट बन जाएगा और यहाँ पे लिख दीजिए प्री बटन, और प्री बटन में आपको आइकन सेट करना है प्रीवियस। मेरे फाइल का नाम था previous.png, और एक और इसका डुप्लीकेट मंगा लीजिए। तो आप कहीं भी इस लाइन पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल डी दबा दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट बटन में आप यहाँ पे इमेज दे दीजिए next.png। तो हम दे देंगे next.png और हम लोग आएंगे अपने मेन में और इसकी हल्की हाइट बड़ी करेंगे। तो जहाँ पे 600 है वहाँ पे 650 में कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं क्या करूँगा, रन कर दूँगा। जैसे रन करूँगा तो आपको यहाँ पे अब तीन बटन दिखेंगी एकदम म्यूज़िक प्लेयर की तरह। ये देखिए, परफेक्ट। और हम क्या करते हैं, फाइल पे चलते हैं, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे चलेंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, वीडियो पे चलूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं वीडियो को प्ले कर पाऊँगा, पॉज कर पाऊँगा, प्ले कर पाऊँगा, पॉज कर पाऊँगा, प्ले कर पाऊँगा, पॉज कर, परफेक्ट। हमारा वीडियो प्लेयर बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्लाइडर पे काम करता हूँ कि जैसे जैसे वीडियो चले ये स्लाइडर भी हमारा आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। परफेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवाई में आते हैं, स्लाइडर की भी एक आईडी दे देते हैं। तो हम लोग आएंगे, स्लाइडर को सेलेक्ट करेंगे, स्लाइडर को सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी भी एक आईडी दे देंगे। हम लिख देंगे टाइम, टाइम स्लाइडर, टाइम स्लाइडर, टाइम स्लाइडर, और हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, और फिर टाइम स्लाइडर का वेरिएबल भी हम लोग सिंपली देखिए कॉपी कर लेंगे। कहाँ भाई टाइम स्लाइडर, तो व्यू पे जाएंगे, सो सैंपल कंट्रोलर स्केलेटन, और टाइम स्लाइडर वाला वेरिएबल भी यहाँ से उठा लाएंगे और आएंगे अपने कंट्रोलर में, कंट्रोलर में सबसे ऊपर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे सारे वेरिएबल्स हैं वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब हम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, टाइम स्लाइडर को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। देखिए, जैसे ही आप ओपन करोगे कोई भी सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग, ठीक है, तो आपने सारा काम किया मीडिया व्यू पे, आपने प्लेयर सेट किया। यहाँ पे मैं कुछ काम करूँगा टाइम स्लाइडर के लिए, टाइम स्लाइडर के लिए देखिए मैं कहूँगा, जैसे ही आपका प्लेयर अगर डॉट ऑन सेट रेडी या सेट ऑन रेडी, जैसे ही आपका प्लेयर रेडी होगा तो ये क्या करेगा, रेडी होगा तो यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन कॉल करेगा। तो मैं यहाँ आपको ऐसे लिखना है, आपको इसके अंदर ये ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद डैश लगाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना और एंटर कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही ये रेडी होगा यहाँ पे जो आप कोड लिखोगे वो चल जाएगा। वेन वन प्लेयर गेट्स रेडी, वेन प्लेयर गेट्स रेडी, जैसे ही ये प्लेयर रेडी होगा ये फंक्शन कॉल कर देगा, इस लैम्डा को कॉल कर देगा। अगर लैम्डा को कॉल कर देगा तो आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो, जब आपका प्लेयर रेडी हो प्ले करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा टाइम स्लाइडर है उसका सेट मिनिमम, मैं उसकी मिनिमम वैल्यू सेट करूँगा और मिनिमम वैल्यू 0 सेट कर दूंगा। परफेक्ट, और मैक्सिमम वैल्यू की सबसे ज़्यादा ये स्लाइडर कहाँ तक जा सकता है, तो मैं लिखूँगा टाइम स्लाइडर डॉट सेट मैक्स। ठीक है, मैक्स जा सकता है जितना मीडिया का जो जो हमारा गाना होगा, सॉन्ग होगा, उसका जो मैक्सिमम मतलब लास्ट ड्यूरेशन होगी। ठीक है, लास्ट वाला कितने मिनट का गाना होगा, वो लास्ट वाली चीज़, लास्ट वाला टाइम लेना है मुझे। तो मैं प्लेयर से पूछूंगा प्लेयर डॉट गेट मीडिया, पहले मीडिया निकाल लो, डॉट गेट ड्यूरेशन, या गेट ड्यूरेशन कर सकते हो,
हाँ गेट ड्यूरेशन कर सकते हो आप। एक बार मैं गेट ड्यूरेशन ट्राई कर लेता हूँ और इसको फिर सेकंड्स में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं सारा काम सेकंड में करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ भाई, और करंट टाइम को भी मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर डॉट सेट वैल्यू, ये करंट टाइम के लिए, और वैल्यू को भी 0 सेट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टाइम को मैं प्रिंट करके भी देखूंगा, जिससे मुझे एक बार कंफर्म हो जाए कि क्या जो हमें मैक्सिमम टाइम मिल रहा है वो सही मिल रहा है। तो मैं साउट देखूंगा और यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट भी कर दूंगा सेकंड में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग अपने स्लाइडर पे कुछ मार्क्स दिखाने वाले हैं, मतलब नंबरिंग भी दिखाने वाले हैं। तो स्लाइडर को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है शो टिक मार्क्स, ठीक है, टिक मार्क्स, और यहाँ पे शो लेवल है, तो आप शो लेवल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आइए यहाँ पे और एक बार इसको भी सेव कर दीजिए और अपने प्रोग्राम को रन करिए। आपको दिखेगा क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेट है। तो अभी तो आपका फंक्शन ही नहीं कॉल हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करो और ओपन सॉन्ग कर दो, और आप अपना सॉन्ग अगर चूज़ कर लो इन केस, ठीक है, कोई भी सॉन्ग चूज़ कर लेते हैं हम लोग, यह सॉन्ग। तो जैसे आप सॉन्ग चूज़ करोगे, देखिए आपकी वैल्यू देखिए 0 हो गई, और 0 के बाद 25 है, 25 के बाद 50 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है 55। दैट मीन्स ये जो सॉन्ग का लेंथ है वो 55 सेकेंड्स है। दैट मीन्स हमारा परफेक्ट वो वाला फंक्शन काम कर रहा है। मिनिमम वैल्यू 0 और आपका गाने का जो मैक्सिमम सेकेंड है वो है 55 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, 0 के बाद डायरेक्ट 25 है, तो मैं 10 10 का गैपिंग देने वाला हूँ। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जो मेजर टिक यूनिट है यहाँ पे मैं 10 सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये 10 10 की गैपिंग हो जाएगी, ठीक है, 10 10 की गैपिंग हो जाएगी। देखिए मैं रन करता हूँ एक बार फिर से, और इस बार स्टार्टिंग में तो 0 to 100 है। आप फाइल पे जाइए, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करिए, और ओपन पे जाइए, और यहाँ पे क्या करिए, HTML पे जाइए और अपना वीडियो सेलेक्ट करिए। देखिए परफेक्ट 0 से लेके 55, बीच बीच में 10 की वैल्यू। बट अगर आप गाना प्ले कर रहे हो तो ये बढ़ नहीं रहा अपने आप, इसको बढ़ना चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग यही काम करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इस वीडियो के टाइम को ट्रैक करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम एक फंक्शन कॉल करते जाएंगे और इस स्लाइडर की वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग अपने कंट्रोलर में ही जैसे रेडी हुआ था ये फंक्शन कॉल कर दिया था, और यहाँ पे एक लगाएंगे लिसनर, ठीक है, क्या लगाएंगे, एक लिसनर, हम लगाएंगे प्लेयर पे लिसनर। तो मैं लगाने जा रहा हूँ लिसनर ऑन प्लेयर, ठीक है, प्लेयर। किस चीज़ के लिए लिस्टर लगाएंगे भाई, कि जब जब हमारा टाइम चेंज हो, दैट मीन्स हमें टाइम पे कोई लिसनर लगाना है, तो जब जब हमारा टाइम चेंज हो और टाइम चेंज होते वक्त हमें कुछ काम करना है, स्लाइडर को अपडेट करना है। तो आप देखिए मैं लिखूंगा प्लेयर, प्लेयर डॉट, हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, करंट टाइम प्रॉपर्टी, ठीक है, और इस पर मैं लिसनर लगाने के लिए फंक्शन कॉल करूंगा। देखिए आपको ये इंटेलिजेंस दिखा रहा है ऐड लिसनर, तो ऐड लिसनर आप सिंपली कॉल कर लीजिए, और आपको यहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे लिखना है न्यू, और जैसे ही आप न्यू लिखोगे आपको ये बता देगा कि भैया आप कौन कौन से लिसनर यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आप न्यू लिखिएगा, कंट्रोल स्पेस दबा दीजिएगा। ये कह रहा है आप चेंज लिसनर यूज़ कर सकते हो, इनवैलिडेशन लिसनर यूज़ कर सकते हो, तो इन दोनों में से आपको यूज़ कर सकते हो। मैं इनवैलिडेशन या चेंज लिसनर यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, तो हम चेंज लिसनर यूज़ इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ये कॉल करोगे तो आपको ये कुछ ऑटो जनरेटेड कोड दे देगा, और आपको यहीं पे कोडिंग करनी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कोडिंग कर दोगे तो ये कोडिंग तब एग्जीक्यूट होगी जैसे जैसे टाइम प्लेयर बढ़ाता जाएगा, प्लेयर के पास मीडिया है, जैसे जैसे आपके मीडिया का प्लेयर टाइम बढ़ता जाएगा, यहाँ का कोड क्या होता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो मैं सिंपली करूँगा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे अपने टाइम स्लाइडर को अपडेट कर दूंगा, तो उस टाइम स्लाइडर की वैल्यू सेट करूँगा। वैल्यू क्या सेट करनी है भाई, वैल्यू सेट करने के लिए मैं निकालूंगा यहाँ पे, देखिए करंट कहाँ पे अभी प्लेयर है, तो मैं प्लेयर डॉट लिखूंगा, प्लेयर डॉट गेट करंट टाइम, और ये मुझे दे देगा ड्यूरेशन, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन डी, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में करंट टाइम रखा है, तो मैं टाइमर देख अपने स्लाइडर को इसी डी पे स्किप करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सेट वैल्यू डी डॉट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं सारा काम सेकंड में कर रहा हूँ, आप इसको सेकंड में चेंज कर दोगे, इतना काम करोगे तो आपका परफेक्ट काम हो गया। होगा क्या, प्लेयर की जैसे जैसे टाइमिंग प्लेयर बढ़ाता जाएगा आपके मीडिया का, मतलब प्ले करता जाएगा, वैसे वैसे ये फंक्शन कॉल करता जाएगा चेंज।
अब चेंज फंक्शन कॉल करता जाएगा, तो आप करंट टाइम प्लेयर का निकालते जा रहे हो डी में कि अभी प्लेयर कहाँ पे है, और उस टाइम स्लाइड के टाइम स्लाइडर पे उसे सेट करते जा रहे हो। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम स्लाइडर की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। मैं आपको प्रोजेक्ट रन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो मैं प्ले करता हूँ, आप फाइल पे चलिए, ओपन फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपना वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका देखिए टाइम अपडेट हो गया। अब आप प्ले करिए, जैसे प्ले करेंगे देखिए आपका गाना भी चल रहा है, और देखिए जैसे जैसे प्लेयर अपना टाइम बढ़ाता जा रहा है गाने का, सॉन्ग का, देखिए वो फंक्शन कॉल करता जा रहा है और इसकी वैल्यू अपडेट होती जा रही है। सेकेंड्स में ये भी काम कर रहे हैं, सेकेंड्स में हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो परफेक्ट है, चलता जाएगा चलता जाएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये फॉरवर्ड नहीं होगा इस केस में। ठीक है, ये फॉरवर्ड नहीं होगा, तो हम लोग अभी ये भी बनाएंगे कि कैसे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे आप पॉज कर दोगे, अब जैसे आपने पॉज कर दिया तो प्लेयर का टाइम नहीं चेंज हो रहा है, और प्लेयर टाइम नहीं चेंज हो रहा तो आपका चेंज फंक्शन भी नहीं कॉल हो रहा है ये वाला, तो ये पॉज है। जैसे आप प्ले करोगे देखिए फिर से, देखिए फिर से, परफेक्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करते हैं, हम लोग टाइम स्लाइडर पे स्किप लगाते हैं कि जैसे आपका प्ले गाना प्ले हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही पहुँचे यहाँ पे, जैसे हम लोग चेक करें वो यहाँ पे फॉरवर्ड होके आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग लगाने वाले हैं लिसनर। किस चीज़ पे भाई लिसनर लगा दें? अब हम लोग लगाने वाले हैं लिसनर, हम लोग लगाने वाले लिसनर भाई अपने टाइम स्लाइडर पे, क्योंकि अब हम लोग टाइम स्लाइडर पे चेक करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूँ मैं करने के वाला हूँ। तो मैं करने वाला हूँ भाई, देखिए मैं पहले सॉन्ग को ओपन कर लेता हूँ, और सॉन्ग को इन केस अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो मैं अब फंक्शनैलिटी बनाने जा रहा हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं टाइम स्लाइडर पे क्लिक करूँ अपने आप गाना फॉरवर्ड हो जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ टाइम स्लाइडर पे, दैट मीन्स हमें टाइम स्लाइडर पे लिसनर लगाना है। तो आते हैं और टाइम स्लाइडर पे लिसनर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम स्लाइडर, और ये सारा काम मैं पहले वाले फंक्शन में कर रहा हूँ जब आप गाने को ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये सारा फंक्शन गाने को ओपन करते समय ही कर रहा हूँ। तो जैसे आप गाने को ओपन करोगे तो मैं लगा दूंगा स्लाइडर, किस पे? टाइम पे। ठीक है, तो मैं टाइम स्लाइडर पे, तो मैं लिखूंगा टाइम स्लाइडर डॉट, और लिखूंगा क्योंकि आप वैल्यू वैल्यू देखो, जब आप बीच में कहीं क्लिक करोगे तो वैल्यू चेंज कर रहे हो, इसका मतलब मैं यूज करूंगा वैल्यू प्रॉपर्टी। और आप इस पे भी लिसनर लगा दो, तो ऐड लिसनर, और मैं लिखूंगा न्यू और कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, तो ये बता देगा कि आप चेंज लिसनर यूज करना चाह रहे हो कि इनवैलिडेशन लिसनर। तो मैं चेंज लिसनर यूज कर रहा हूँ, तो मैं चेंज लिसनर क्लिक कर दूंगा। तो होगा क्या, जैसे ही आप किसी बीच में यूज करोगे, जैसे किसी बीच में आप, जैसे मान लो आपने स्लाइडर को 10 सेकेंड पे क्लिक कर दिया, तो जैसे क्लिक किया ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जैसे फंक्शन कॉल हो जाएगा मैं क्या करूंगा, मैं जहां पे क्लिक हुआ वैल्यू निकालूंगा, तो लिखूंगा टाइम स्लाइडर डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी डबल में, डबल में मिल जाएगी डबल वैल्यू। ठीक है, कि आपने क्लिक कहां पे किया। और मैं लिखूंगा प्लेयर डॉट स्किप, मतलब प्लेयर से मैं बोलूंगा कि भैया अब मुझे स्किप करना है, तो ये ले रहा है ड्यूरेशन, तो मैं ड्यूरेशन का नया ऑब्जेक्ट बना दूंगा, न्यू ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन को हमें देना क्या है, मिली सेकेंड में टाइम, तो वैल्यू जो होगा वो सेकेंड में होगा, उसको मिली सेकेंड में करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। ठीक है, दैट्स इट। अब आपका ये वाला भी काम हो गया, अगर आप प्रोग्राम रन करते हो तो आप स्किप भी कर पाओगे, देखिएगा आप स्किप भी कर पाओगे, तो परफेक्ट। मैं दिखाता हूँ, मैं फाइल पे जाइए, ओपन सॉन्ग पे करिए, डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए, और आप देखिए यहाँ पे वीडियो पे चले जाइए, वीडियो ओपन कर लीजिए, प्ले कर दीजिए, गाना चल रहा है परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो देखिए गाना फॉरवर्ड भी हो गया, परफेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स हम गाने को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, गाने को प्ले कर सकते हैं, गाने को पॉज कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, और हम स्किप भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए ये दिक्कत ये हो रही है कि जैसे वैल्यू चेंज हो रही है फॉरवर्ड भी कर रहा है, तो एक कोड में यहाँ पे और ऐड करूँगा। तो ये सारा काम मैं करूँगा इफ़ अगर, इन केस, इफ़ अगर 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 टाइम प्रेस हुआ है, टाइम स्लाइडर प्रेस हुआ है, दैट मीन्स हम लोगों ने माउस की हेल्प से प्रेस किया है, तभी मैं वो काम करूँगा, अदरवाइज चेंज तो वो अपने आप भी हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं ये जरूरी है कंडीशन लगाना, अदरवाइज आप जब प्लेयर भी उस वैल्यू को चेंज कर रहा है तब भी ये फंक्शन चलेगा, तब मुझे ये फंक्शन नहीं चलाना। हमें क्या करना है, जब आप टाइम स्लाइडर को प्रेस करो, सबसे पहली चीज़ वैल्यू चेंज होने पे ये फंक्शन चलेगा, स्लाइडर की, टाइम स्लाइडर की वैल्यू जैसे चेंज होगी फंक्शन चलेगा। फिर मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे क्या आपने उसे प्रेस किया है, अगर प्रेस किया है तब मैं काम करूँगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फिर से फाइल पे चलता हूँ, ओपन सॉन्ग पे चलता हूँ, और डेस्कटॉप पे चलता हूँ, और अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्ले करता हूँ,
परफेक्ट। अब हमारा वीडियो एकदम सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कहीं से फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ और स्लाइडर कहीं से भी चल जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। प्ले पॉज हो जाएगा और प्ले पॉज भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप दूसरी बार ओपन करोगे तो ये फंक्शन ओपन होगा, ये सारा काम रिपीट करेगा। बट एक गाना तो ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ अगर प्लेयर की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, अगर प्लेयर की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब गाना ऑलरेडी चल रहा है। और गाना ऑलरेडी चल रहा है तो मैं प्लेयर डॉट, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्पोज, प्लेयर डॉट डिस्पोज कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा और उसके बाद फिर से अपने आपका ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग दूसरी वीडियो भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, मैं प्ले करूँगा और प्ले करने के बाद सिंपली देखिए मैं यहाँ पर प्ले करूँगा और फाइल पे जाऊंगा, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करूंगा और पहले मैं पहली वीडियो को चूज़ कर लेता हूं। तो फर्स्ट वीडियो में देखिए, ये पहली वीडियो मैंने चला दी और परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, फाइल पे चलता हूं, ओपन सॉन्ग पे क्लिक करता हूं और इस बार दूसरी वीडियो चूज़ करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट 3 पे और ओपन कर लूँगा और फिर से मैं प्ले करूँगा। तो वीडियो तो चल रही है बट जो टाइम स्लाइडर पे यहाँ पे देखिए सेकेंड्स दिख रहे हैं, वो बहुत सारे सेकेंड्स हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सेकेंड यूज़ किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सेकेंड को मिनट में चेंज करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें यहाँ पे इस पे जो रेंज दिखे वो मिनट की दिखे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अगर इतना सारा काम हो गया तो जैसे मीडिया रेडी होगी, एक चीज़ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं प्ले बटन का, भाई एक्चुअली जैसे ही आप सॉन्ग लोड करोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं प्ले बटन का जो आइकन है वो प्ले चेक कर दूंगा, चाहे जो भी आइकन हो, ठीक है। तो जैसे ही ऑन रेडी होगा मैं यहाँ पे आइकन बदल दूंगा, ठीक है, और आप ट्राई कैच लगा दीजिए। तो ठीक है, तो आइकन बदल जाएगा, जैसे कोई भी गाना आप सेलेक्ट करोगे वैसे ही आइकन बदल जाएगा, प्ले का आइकन आ जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड को मिनट करने के लिए मैं देखिए मैक्सिमम टाइम 2 सेकेंड की जगह आप क्या कर दीजिए, 2 मिनट कर दीजिए, ठीक है, और प्रिंट वाला हटा दीजिए क्योंकि आप प्रिंट तो कर नहीं रहो। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, नीचे आइए और यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप 2 सेकेंड कर रहे हो वहाँ पे आप 2 मिनट कर दो, इससे कि टाइम स्लाइडर पे जो वैल्यू सेट हो मिनट में सेट हो। नेक्स्ट आते हैं, जब आप टाइम गेट करोगे तो इस बार आपको मिनट मिलेगा और मिनट को मिली सेकेंड में करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेकेंड था तब तो मैंने डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इस बार पहले मिनट को 60 से करोगे तो सेकेंड होगा और सेकेंड को 1000 से करोगे तो मिली सेकेंड होगा। परफेक्ट, अब आप रन कर दीजिए इस प्रोजेक्ट को और फिर से क्या करिए, प्रोजेक्ट को रन करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सॉन्ग ओपन करिए, पहला सॉन्ग अपना कोई भी ओपन कर लीजिए, आपकी मर्जी है, और ओपन कर लिया भाई, प्ले कर रहे हैं मिनट में। तो देखिए ये जो गाना है वो 0.93 मिनट का गाना है, परफेक्ट। अब हम दूसरा गाना ओपन करते हैं, तो ओपन सॉन्ग पे चलेंगे और अपना दूसरा सॉन्ग ओपन करेंगे। तो हम लोग ये देखिए, ये जो है वो 46 मिनट की वीडियो है, परफेक्ट, ओपन करते हैं, परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरा गाना भी चूज़ कर सकते हैं, फाइल पे चलेंगे, ओपन पे चलेंगे और इस बार अगर मैं चलूँ, हमारे बहुत सारे सॉन्ग हैं केमिस्ट्रेशिया में, मेरे सारे बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे, आप दूसरा सॉन्ग क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ये भाई जो है 14 मिनट की वीडियो है, परफेक्ट। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा बन गया है एक वीडियो प्लेयर, जिसकी हेल्प से आप कोई भी ऑडियो भी प्ले कर सकते हो उसमें। भाई आप यहाँ पे ओपन करके ऑडियो प्ले कर दो, आपका काम हो जाएगा और वीडियो तो प्ले कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस नेक्स्ट और प्रीवियस पे करेंगे, तो हमारे पास लिस्ट नहीं है तो मैं नेक्स्ट कर नहीं सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस बटन के क्लिक करने पे मैं 10 सेकेंड फॉरवर्ड करूँगा, इस पर क्लिक करोगे 10 सेकेंड फॉरवर्ड होगा, इस पर क्लिक करोगे 10 सेकेंड पीछे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों पे एक एक फंक्शन दे देते हैं, अपने जीवाई में आएंगे, इस पर कर देंगे हम, यहाँ पर इसके एक्शन में चलेंगे और एक्शन में लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बटन क्लिक, ठीक है, नेक्स्ट बटन क्लिक और सेव कर लेंगे। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे एक्शन में प्री बटन क्लिक और फिर से सेव कर लेंगे और हम व्यू पे चलेंगे, सो सैंपल कंट्रोलर स्केलेटन पे दोनों फंक्शन कॉपी कर लेंगे। कौन कौन सा भाई, प्री बटन क्लिक एंड नेक्स्ट बटन क्लिक। तो प्री बटन क्लिक वाला लाएंगे सबसे पहले और सबसे नीचे क्लास बंद होने से पहले, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे और फिर उसके बाद आएंगे नेक्स्ट बटन क्लिक, इसको भी कॉपी कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से करेंगे आप
और परफेक्ट, ठीक है। तो प्रीवियस जाने के लिए ये वाली बटन है, तो प्रीवियस के लिए सबसे पहले आपको करंट ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए डबल निकाल लेते हैं, तो मैं लिखूंगा डबल डबल और ये निकलेगी करंट ड्यूरेशन, ठीक है। करंट ड्यूरेशन तो आप सिंपली प्लेयर से बोलिए प्लेयर डॉट गेट करंट टाइम और ये मिल जाएगा आपको ड्यूरेशन डी, ठीक है, ड्यूरेशन डी। अब आपको क्या करना है, आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखे डी डॉट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, टी डॉट सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट में आपको ड्यूरेशन देना है। तो आप क्या करिए, ये सिंपली ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए, आप ड्यूरेशन को सिंपली चेंज कर दीजिए। देखिए आप जब निकाल रहे हो तो आपको सेकंड मिल रहा है, तो आप एक डबल लीजिए, डबल डी और सिंपली इसको सेकंड्स में चेंज कर लीजिए, सेकंड सारा काम सेकंड में ही कर लीजिए, ठीक है, सारा काम सेकंड में ही कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, सिंपली आप सिंपली डी में D इज इक्वल टू डी माइनस 10 सेकेंड माइनस कर दीजिए और सिंपली आप प्लेयर डॉट सीक सीक में लिखिए न्यू ड्यूरेशन और न्यू ड्यूरेशन में आप पास कर दीजिए D इंटू 1000, परफेक्ट। और इसी तरह आप करिए नेक्स्ट के लिए, बस जहां माइनस है वहां पे आपको प्लस करना है, जहां माइनस है वहां पे आपको क्या करना है, प्लस करना है, परफेक्ट। राइट प्ले करिए, जैसे आप प्ले करोगे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है। आप जाइए फाइल पे, ओपन फाइल और यहाँ पे चूज़ करिए अपना सॉन्ग, तो मैं सॉन्ग चूज़ कर लेता हूँ और प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 सेकंड आगे जा रहा है, प्रीवियस नहीं हो रहा है भाई, प्रीवियस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस बटन पे यहाँ पे देखिए लिसनर नहीं लग पाया है, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार इसको सेव कर लेते हैं और अच्छे से, और यहाँ पे आते हैं, देखिए लिसनर भी लग गया, अब हमारा प्रीवियस वाला भी काम होगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, रन कर लीजिए, तो लिसनर नहीं लगा था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, फाइल पे चलते हैं, ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं और सिंपली चलते हैं वीडियो में और हम लोग प्ले करते हैं, 10 सेकेंड नेक्स्ट, 10 सेकेंड फॉरवर्ड, नेक्स्ट बैकवर्ड, नेक्स्ट बैकवर्ड, ठीक है। तो आप 10 सेकेंड इससे फॉरवर्ड कर सकते हो, इससे 10 सेकेंड पीछे आ सकते हो, ये प्ले कर सकता है, पॉज कर सकता है, यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ बताऊंगा, कैसे आप यहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हो, अबाउट वाले प्लेयर में लगा सकते हो, सारी चीज़ लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे हमने एक बेसिक वीडियो प्लेयर रेडी कर लिया है और आपको इस आप इस वीडियो प्लेयर को एक्सटेंड कर सकते हो, आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आप कैसे वीडियो प्लेयर बना सकते हो। इवन इसकी ऑडियो प्लेयर भी ऑडियो को भी प्ले कर देगा, अगर आप फाइल में जाके इसमें सिंपली आप ओपन कर लो अपना ऑडियो ओपन कर लो तो ऑडियो भी बच जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप ऐसे शॉर्ट प्रोजेक्ट्स चाहते हो कॉलेज में मिनी प्रोजेक्ट देने के लिए, तो आप क्या करिए कमेंट करिए और हमें बताइए, हम क्या करेंगे आपके लिए और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।